Hello friends, welcome to Plants and Garden Detailing YouTube channel. आज हम बात करेंगे टमाटो की, यानी कि टमाटर की। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है। इसकी हाइट लगभग 6 फीट के करीब हो चुकी है, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन इसके अंदर फल कम बन रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसमें फल बनना शुरू हो गया है। तो जैसा कि खेतों के अंदर तो काफ़ी पौधे लगे होते हैं तो वहाँ पर हवा चलती है तो पॉलिनेशन अपने आप हो जाती है। देखिए ये टमाटर देख रहे हैं आप, लेकिन हम जब घरों में पौधे लगाते हैं तो वहाँ कभी हवा नहीं लगती तो कभी वहाँ जो कीट पतंगे आते हैं वो कम आते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन का मतलब है कि इसका फूल से फल बनने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उसके लिए आप इसको घर में कैसे करें वो आपको मैं बताता हूँ। ये मेरा दूसरा टमाटर का पौधा है जो कि ग्रो बैग में लगा हुआ है, उसमें भी टमाटर आने शुरू हो गए हैं। अब देखिए काफ़ी हद तक ये भर चुका है। इसमें भी पहले टमाटर नहीं आ रहे थे, तो उसका क्या कारण है कि पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। पॉलिनेशन को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पौधे को थोड़ा सा हिलाना डुलाना है। टमाटर के पौधे को आप किसी स्टिक की मदद से हिला सकते हैं, जैसा कि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी खिले हुए फ्लावर्स हैं आप उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी टैपिंग करें। टैपिंग करने से फ्लावर्स के अंदर जो इसकी पॉलीगैमस नेचर है, इसमें मेल फीमेल कॉन्टेंट्स एक ही फ्लावर में होते हैं, तो वो दोनों फूल से फल बनने की क्रिया शुरू कर देंगे और आपका पौधा टमाटर से भरना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। घर से बाहर निकलने के समय मास्क का जरूर प्रयोग करें और आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।